गुड मॉर्निंग। आज क्लास सिक्स में जैसे कि हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय जो कि उस सर जी नहीं है, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आज आपके टॉपिक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कर देता हूँ, ठीक है। तो जरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आप जाने, ठीक है। देखिए इसका हिंदी होता है अपूर्ण भविष्य काल, ठीक। अब देखिए इसका पहचान क्या होगा। देखिए जिस वाक्य से पता चलता है कि कार्य का भविष्य में हो, मतलब कार्य भविष्य में हो रहा होगा, वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। यानी कि जैसे यह पता चले कि जो काम भविष्य में हो रहा होगा तो वह फ्यूचर कंटीन्यूअस में होता है। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी एक पहचान है कि जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आवे, वह फ्यूचर कंटीन्यूअस में होता है। इसमें भी देखिए तीन तरह का सेंटेंस होते हैं। जैसे पहला अफर्मेटिव होता है, ठीक है। अफर्मेटिव का अर्थ क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक, ठीक है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस इसमें विल या शैल का प्रयोग करेंगे, विल या शैल, ठीक है। और फिर बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे हम लोग विद्यालय जा रहे होंगे, हम लोग विद्यालय जा रहे होंगे, ऐसा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखो हो जाएगा वी शैल बी लगा देंगे यहां पे। देखिए वो माने जाना, उसका फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, गोइंग लगा देंगे, गोइंग वी शैल बी गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, यस यस ऐसा। अब जैसे निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। देखिए इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर देंगे, फिर हम नार का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे, प्लस बी ई बी लगा देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे और लास्ट में पुरस्कार। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा हो, खेल रहा होगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका। देखो जाएगा ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी प्लेइंग, प्लेइंग हो जाएगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रिकेट। अब देखो इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो उसके लिए रूल क्या होगा, ध्यान से देखना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सबसे पहले आप डब्ल्यू क्वेश्चन लगा देंगे, प्लस विल या शैल का प्रयोग कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस बी का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ऐसा हो, क्या वह दूध पी रहा होगा, ऐसा लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। तो आप क्या करेंगे, क्या से शुरू है, सबसे पहले आप सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, विल ही कर देंगे। अब यहाँ पे नॉट नहीं है तो बी लगा देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखो ड्रिंक में आई एनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग हो जाएगा, विल ही बी ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, ऐसा हो जाएगा लास्ट में, लास्ट में। Will he be drinking? क्या वह दूध पी रहा होगा, इसका मतलब, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, अब
इसके आगे आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने आज इस वीडियो में जाना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पहचान क्या होता है, इसमें सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंडिकेटिव कैसे होता है, उसका रूल कैसे होता है, ये सब आप जानें, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने से कम 10 ट्रांसलेशन से